नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। इस वीडियो में बीपीएससी टीयर 3.0 और 4.0 2024 के लिए सेट प्रैक्टिस 2 को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यदि आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सेट 1 को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 2024 के अनुसार राज्य में जो है राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई जो है कितनी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो है 2023 और 2024 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी 5,977 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद जो है कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द राइट आंसर, यानी सारण जिला के निवासी है थे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1982 के दौरान जो है उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने जो है छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक लोकतंत्र में जो है पहरुआ का विमोचन 2 मार्च 2024 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा यह लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 2024 के अनुसार जो है वर्ष 2022 से 2023 के लिए बिहार की समग्र श्रम शक्ति जो है सहभागिता दर क्या थी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी 50.9% थे। चलिए नेक्स्ट आगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो है जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर जी का मोक्ष जो है स्थान कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टूरिज्म सर्वे सर्वे ऑफ अवार्ड 2023 में जो है टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द राइट आंसर, यानी 3 पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस शहर में जो है आईटी पावर का निर्माण होगा। बिहार के जो है किस शहर में जो है आईटी पावर का निर्माण होगा फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान के जो है तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया। ठीक है, किस सुल्तान के तिरहुत को जो है तुगलकपुर का नाम लिया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जो है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में जो है महिलाओं के समग्र विकास पर कितना धन खर्च किया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द राइट आंसर, यानी 39,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि राज्य में जो है जल प्रबंधन योजना के लिए वैश्विक विश्व बैंक जो है कितना मदद कर रहा है। राज्य में जो है जल प्रबंधन परियोजना के लिए जो है विश्व बैंक जो है कितना मदद कर रहा है। आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द राइट आंसर, यानी 3,090 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है। शेर शाह का जो मकबरा है उनके संबंध में जो है क्या सही है। ठीक है, आपको सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, द राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही है। कह रहा है कि इसमें ऑप्शन ए दिया है, यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकरे चौबीतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2024 में हुई सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल जो है बोर्ड की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा के लिए कितने राशि का आवंटन बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, द राइट आंसर, यानी 7,930 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों में जो है स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी सभी प्रखंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे बिहार राज्य के किस योजना को जो है दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी जीविका दीदी के द्वारा अपनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि सहरसा जो है
कर आए कि सहरसा बीमन जीविका जो है प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है सहरसा में किस प्रकार की प्रसंस्करण जो है इकाई है। आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी गेहूं का आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे 17 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में जो है कृषि क्षेत्र को जो है कितना धन आवंटित किया गया है। आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए इधर राइट आंसर 3692 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, करे कि कश्मीर घाटी कराए कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो है यूसुफ शाह चक जो है जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया है दफन है, कहां पर उनको दफनाया गया है। फ्रेंड्स तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी नालंदा में। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। करें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है किस जिले में सबसे अधिक सकल संचित क्षेत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी रोहतास जिले में। चलिए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 20 नंबर, कह रहा है कि 2 फरवरी जो है 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में जो है डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध जो है किस राज्य के जिले से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो है बिहार कितनी जनसंख्या पर वन थाना है। बिहार में जो है कितनी जनसंख्या पर जो है एक थाना है, ठीक है यानी पुलिस स्टेशन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन यानी 1 लाख हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे कि बिहार का कौन सा राज्य जो है आरंभ में बहुत दिनों तक अवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। ठीक है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 22 का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी मगध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 23 नंबर, कह रहा है कि राज्य के किस शहर में जो है नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 फरवरी 2024 को जो है राज्य के वित्तीय मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने शहरों का जो है मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन यानी 100 शहरों का। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वें जो है इंटरनेशनल नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट जो है जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 16 से 18 फरवरी 2024 तक हुआ में बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी दिव्यांश कुमार राज ने जीता है। ठीक है आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के साथ साथ देश का पहला नगर निगम कौन सा है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर ड्रामा स्कूल खोलने जा रहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नहीं पटना नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेस्टिनेशन बिहार जो है एक्सपो 2024 का आयोजन जो है राज्य में कहाँ हो रहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी पटना में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज जो है एमवी गुहा और एमवी निशराद जो है कहाँ लॉन्च किए हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में जो हुआ इनमें किया गया कार्य थे। तो क्या कार्य किए गए थे फ्रेंड्स तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पीठक का संकलन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ इनमें किए गए कार्य थे। तो इनमें कौन से कार्य किए गए थे फ्रेंड्स तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थावीर और महासंधिबोधक के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति के अनुसार जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला जो है मानव डीएनए बैंक जो है कहाँ स्थापित होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर यानी BHU में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में जो है जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक तो कौन बना है। आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी चीन बना है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान जो है शासक कौन था। ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछता है बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था फ्रेंड्स तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी दाऊद खां करारनी था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि हाल ही में जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी हिम तेंदुआ। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स
हाल ही में जो है हाल ही में देश के जो है लोकपाल पद पर किर नियुक्ति किया गया है, किनको जो है नियुक्ति किया गया है फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अजय मणिक करवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो है भारत का कौन सा स्थान मिला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है 33 गेंदों में जो है T20 इंटरनेशनल का जो है सबसे तेज शतक लगाने जाने वाला निकोल का संबंध जो है किस देश से है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी नामीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 39 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है किशोरियों में जो है एनीमिया को नियंत्रण करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहला जो है किसने लॉन्च की है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ठीक है, नहीं इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 39 का सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में जो है ब्राह्मण ग्रंथ तथा ज्ञान का महान केंद्र था, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी विदेह था ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है 41 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहा और MV निशराद जो है कहाँ लॉन्च किए हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर हाल ही में जो है FATF ने जो है वित्तीय अपराध निगरानी जो है ग्रे सूची से जो है किसने किसे बाहर किया है ठीक है, किस देश ने जो है उनको बाहर किए कर दिया है, FATE जो है वित्तीय अपराध निगरानी जो है किस देश ने इसको बाहर कर दिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी द राइट आंसर में से एक से अधिक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 119वां सदस्य कौन बना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का जो है सरलम्मा यात्रा कहाँ पर आरम्भ हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर यानी इनमें से कहीं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है T50 जो है कहाँ पर आरंभ हुई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इधर राइट आंसर यानी जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर यानी ओडिसियस का संबंध जो है किससे है, आपका सही उत्तर ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी USA से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर यानी 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के जो है किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी UK के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जो है लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 41वां स्थान मिला है ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री जो है मुख्य अतिथि होंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी ग्रीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की जो है घोषणा हुई है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ए व विदुन यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 52 नंबर करें कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के जो है 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है किसने की है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी UPI यानी रुपे कार्ड जो है कहाँ लॉन्च किया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक में ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 54 नंबर करें कि मगध पर शासन करने वाला राजवंश का जो है सही क्रम है ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी हर्यक वंश सबसे पहले, इसके बाद शिशुनाद, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश एवं कौरव वंश ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी काजी नेमू को। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कड़ाट जो है वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी हरि सिंह। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 59 नंबर कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत जो है 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा जो है किसने की है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के ग्लोबल कैंसर वार्डन रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी फेफड़े का कैंसर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री जी जो है किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की जो है आधारशिला कहाँ रखी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में जो है ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बॉन्ड शक्ति का जो है संबंध किससे है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी ए व बी दोनों यानी शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन से। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने जो है बनाया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी पैगी व्हिटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पुत कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी INS संध्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम बजट जो है 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी भूटान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है तीसरी बार एशियाई क्रिकेटर परिषद के अध्यक्ष पद पर जो है किसकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 67 का, तो 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी जैसा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा जय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाल ही में वर्ष 2024 जो है पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट के अनुसार जो है वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है कितने प्रतिशत रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी 5.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जो है किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा दिया है। तो आपका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी भारतीय जनसंचार संस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है कि हाल ही में देश में पहली बार जो है उत्तरी अमेरिकी प्रवासी पक्षी जो है लाफिंग गल कहाँ देखा गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो है किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी संस्कृति मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुश महासंघ ने जो है किसे वर्ष 2023 की महिला बुश एथलेटिक घोषित किया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी नाउरेमा रेसिबिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर कह रहा है कि सविनय अवज्ञा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कई गंभीर घटना नहीं घटी जिनका मुख्य श्रेय दिया जाता है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि मई जो है
1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें जो है कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिरोध संयंत्र केस का मुकदमा चला। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी योगेंद्र शुक्ला इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 77 नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना जो है किसने की थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इधर राइट आंसर यानी मणिन्द्र नारायण राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर कमीशन के पटना आने से जो है कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 के बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता जो है की थी किसने की थी फ्रेंड्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर यानी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर करें कि बिहार का कौन सा स्थान जो है गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी जीरादेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में जो है गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी द इसमें राइट आंसर यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि चंपारण में तीनकठिया पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, यह अवधि होती थी कितने अवधि तक नील उपजाना पड़ता था फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर यानी 20 वर्ष 25 या 30 वर्ष तक आपको नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है कि श्री जे बी कृपलानी जो है चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के जो है प्रधानाध्यापक थे यानी प्राध्यापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड यानी 1909 ईस्वी में हुआ ना 1908 ईस्वी का, ठीक है, का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी खुदीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर यानी बांकीपुर पटना में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 85 नंबर कर है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा यानी बिरसा यानी यहाँ पर कह रहा है कि बिरसा मुंडा को। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर 3 मार्च 1900 ईस्वी में उनको पकड़ लिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स 86 नंबर कह रहा है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य जो है क्या था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू वाइवाज एसोसिएशन का गठन जो है किसने किया। हिंदू वाइवाज जो है एसोसिएशन का जो गठन है किसने किया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी बंकिम चंद्र। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 88 नंबर कर है कि किस क्षेत्र में जो है राहुल संस्कृत्यान 1920 के जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी छपरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक हुई कहां पर हुई फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी पटना में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 90 नंबर बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी राल्फ फिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी मगध के विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि राजगृह में जो है आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनयपिटक में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 93 नंबर, इसमें कह रहा है कि इधर शासक है इधर सूची यानी वंश है। ठीक है, तो किस वंश से संबंधित है इसको मिलान करना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी 1 का 4 यानी बलबन जो है गुलाम वंश है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी वंश है, बहार वंश जो है नुहानी और फर्रुखसियार जो है मुगल वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 94 नंबर कह रहा है कि नमक कानून भंग करने के क्रम में जो है अंबिका कांत सिंह जो है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी श्री जसुलाल गुप्ता को जो है कहाँ गिरफ्तार किया गया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी पटना में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 95 नंबर कह रहा है कि बिहार के जो है प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, कौन शामिल थे फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1 एवं 2 यानी राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 96 नंबर कर रहा है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन यानी 92 में जो है किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडल के त्यागने
का अनुमोदन किया जो उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कर रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना जो है 1934 में कहाँ हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी सदाकत आश्रम यानी पटना में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कर रहा है 98 नंबर कर रहा है फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समय झंडा फहराने के क्रम में जो है 7 छात्रों की मौत जो है पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था तो किस जिलाधीश ने दिया था फ्रेंड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी द राइट आंसर डब्ल्यू जी आर्चर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 99 नंबर कर रहा है कि बिहार के जो है जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन जो है वह गलत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन सी नहीं, इस आंदोलन को जो है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, यह जो कथन है वह गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 100 को नंबर करें कि बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ठीक है, आप लोग कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में नए एनर्जी नए जोश के साथ। जय हिंद जय भारत।